तुमने मेरी स्टोरीज क्यों नहीं लाइक की? मैंने देखी नहीं। चलो फोन निकालो और अभी लाइक करो। चलो भाई क्या दो तुमको? रुक जाओ वज्रा, नसीर को आ लेने दो। नसीर नहीं आ रहे हैं। आप शुरू करो। जमाल जी जाओ नसीर को लेकर आओ। अच्छा और तुम दोनों भी जाओ, बुला के लाओ भाई को। एक तो नसीर भी ना नई नवेली ड्रिवन की तरह रोज के बैठ जाता है, आए दिन बस उसको मनाते रहो। भाई बच्चे मुंह के बैठे हुए, खाना ठंडा हो गया तो दोबारा गर्म करना पड़ेगा। जरा से सब्र कर लो, आ जाता। भाई कब आएगा ये? अगर ये आज खाना नहीं खाएगा तो क्या हम सब भूखे रहेंगे? नसीर नसीर, अम्मी अबू खाने में इंतजार करें, चल आ जा। मुझे नहीं खाना जमाल भाई। यार खाने से क्या नाराजगी तुम्हारी? मुझे नहीं खाना जमाल भाई, मैंने आपसे कहा ना, जाए आप लोग जाके खा लें। नसीर भाई आपको पता है ना, जब तक आप नहीं आएंगे कोई खाना नहीं खाएगा। रहने दो, तुमने सुना नहीं अबू ने मुझे घर से निकलने का कहा है? नसीर भाई वो गुस्से में कहा था उन्होंने। मेरे भाई अम्मी ने हम तीनों भाई को तुम्हें खुद लेने भेजा है। अगर अब वो नाराज होते ना हम तीनों को नहीं आने देते। कहने पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मान लो। भाई नहीं मेरा, मान जाए ना। चलें ना नसीब भाई। अच्छा चलो भाई, क्या है? कहाँ चल पड़े? अम्मी के पास जा रहा हूँ। जब देखो अम्मी के पास जा रहा हूँ, अम्मी के पास जाओ भाई। कभी दो घड़ी मेरे पास में बैठ जाया करो, मैं भी तुम्हारे फराइज में शामिल हूँ। मैं अपने फराइज बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। क्या खास समझते हो हैं? कैसे तुम्हारी माँ मेरे ऊपर इल्जाम लगाती, जैसे बाप बेटी की लड़ाई मैंने कराई है। तुम कह नहीं सकते थे कि अम्मी मेरी बीवी का क्या कसूर इसमें? जरूर कहता अगर मुझे मालूम होता कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। मैं तो अम्मी से पूछने जा रहा हूँ कि किस बात पे लड़ाई हुई है, अब्बा को इतना गुस्सा किस बात पे आ गया था? देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारी माँ ने ना मुझ पे इल्जाम लगाना है। हर बुरा काम है घर में सिर्फ मैं ही करती हूँ उनके हिसाब से, इसीलिए कह रही हूँ दो घड़ी मेरे पास बैठ जाओ, सुन लो मेरी बात है। एक मिनट। हेलो आशफाक। हाँ 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 अच्छा, बुढ़िया को मौका मिल गया फिर पर निबट में ये सबसे। क्यों बुलाया था?
वैसे यार दिल उदास हो रहा था मेरा। हफ्ते क्या ना क्या राज घर में बहुत लड़ाई हुई। क्यों क्या हुआ? पता नहीं अजरा भाभी ने अबू से क्या कहा, पहले अम्मी से लड़ाई की, उसके बाद नसीर भाई को घर से निकलने का कह दिया। शुक्र है अम्मी बीच पे आ गई, वरना वो वाकई धक्के देके निकाल देते। अच्छा तुम उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा, घर में ऐसी बातें हो जाती हैं। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुमने मेरी स्टोरीज क्यों नहीं लाइक की? मैंने देखी नहीं। चलो फोन निकालो और अभी लाइक करो। कर दूंगा यार। नहीं मेरे सामने कानो फोन। अच्छी है ना? ये कहाँ गई थी? कॉलेज के सामने ना नया रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ गई थी। कसम से इतने मजे के बर्गर्स है ना। अकेले खा के आ गई ना? नहीं नहीं अकेली का, देखो ना क्लासमेट्स भी साथ हैं। मुझे तो लेके नहीं गई ना। तुम्हारे लिए कल नहीं आऊंगी। अच्छा अपना मूड ठीक करो, रोते हुए मजे बॉम्बे लगते हो। अच्छा वाकई यार, डिलीट करो इसे। डिलीट करवा सकते हो तो करवाओ। समझ मेरी बात सुन, अभी भी है पिक्चर, देख लूंगा तुम्हें, स्टोरी पे लगाऊंगी मैं। आज तो तुमने ये बात कह दी है, आइंदा कभी मत ऐसे कहना। तुमने खाना नहीं ठीक से खाया था, अब खा लो। रहने दीजिए, अब मोहब्बत ना जताइए। आपने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा, पर ये भी नहीं सोचा कि मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा। और जब तुम अपने अब्बा के सामने हिस्सा मांग रहे थे, तुमने भी नहीं सोचा कि तुम्हारा बेटा तुम्हें देख रहा है। नसीब, आज जो तुम अपने माँ बाप के साथ रवैया रखोगे अपनी औलाद के सामने, कल वही वो तुम्हारे साथ करेंगे। और अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, आइंदा तुमने ऐसी बात की ना तो दो मारूंगी। वैसे मुझे समझ में नहीं आया कि ये बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे। मैंने नहीं मांगा था, अब्बू ने खुद मुझे घर से निकलने को कहा। निकलने को कहा था ना, निकाला तो नहीं था। और तुम अपने अब्बू का गुस्सा अच्छी तरह से जानते हो, जब वो गुस्से में होते तो पता नहीं क्या कुछ कह जाते। अच्छा बात ये बात खत्म हो गई तो फिर अब्बू ने गुस्सा क्यों किया? मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की है नसीब, कि घर में भड़काने वाले बहुत हैं, और अकलमंदी का तकाजा यही था कि तुम खामोश रहते, यूं तन कर अपने बाप के सामने खड़े ना हो जाते। खैर चलो, अब तुम्हारे अब्बू का गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तो तुम माफी मांग लेना। अब्बू का गुस्सा मेरे लिए कभी ठंडा नहीं। तो फिर तुम्हें अपना रवैया दुरुस्त करने की जरूरत है ना। अब दुकान पे तुम खामखा एक बंदे के साथ उलझ पड़े, तुम्हारे अब्बू को गुस्सा आएगा ना, है ना? अच्छा चलो बेटा, ये लो खाना खा लो, मेरा बेटा खा लो ना।